हेलो स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसमें हमने तीन केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली है अभी तक। नंबर वन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर टू, रिडक्शन। एंड नंबर थ्री, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में स्टूडेंट हमने एक रिएक्शन आज डिस्कस करनी है जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में रह गई थी, उसको करते हैं। उसके बाद हम फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे, इसमें रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद एल्कलीस। लेकिन उससे पहले एक बार ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एक तो हमने पढ़ा था विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और दूसरा ऑक्सीडेशन जो है हम कराएंगे कीटोन का विद सोडियम हाइपोहैलाइट। ठीक है स्टूडेंट, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे हम विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हमने पढ़ लिया था। आज बात करते हैं विद सोडियम हाइपोहैलाइट। ये तो पता ही है स्टूडेंट हमें, जब हम कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें एक रिएक्शन आती है जो बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो आज हम बात कर रहे हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन की, जो कीटोन्स में होती है। ठीक है, हैलोफॉर्म क्या होता है? अभी हैलोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHX3। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म। अगर हैलोजन क्लोरीन है तो CHCl3 बनेगा, क्लोरोफॉर्म। ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। ठीक है, इसको हम हैलोफॉर्म बोलते हैं। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली क्या है, कीटोन का ऑक्सीडेशन ही है। लेकिन हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए हमें कीटोन कौन सा लेना पड़ेगा, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, RCOR-, तुम्हें लेना पड़ेगा मिथाइल कीटोन, यानी कि वो कीटोन जिसमें एक एल्काइल होगा मिथाइल। ठीक है, उसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं टू हैलोफॉर्म, से हैलोफॉर्म हम बना सकते हैं। कैसे, जब उसको हम ट्रीट कराएंगे सोडियम हाइपोहैलाइट के साथ। सोडियम हाइपोहैलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, एक्स यानी कि हैलोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइट। ठीक है, या इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NaOH के साथ ट्रीट करा दें हैलोजन्स को। ठीक है, एक पी ब्लॉक में रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद NaOH, एक हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH और एक डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो दोनों में डिपेंड करता है कि क्लोराइड बनता है, कई बार क्लोरेट बनता है, डिपेंडिंग ऑन कि NaOH हमने क्या लिया है। तो सोडियम हाइपोहैलाइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOX, ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड। अगर आप ये रिएजेंट ले लेते हो डायरेक्ट, या इन दोनों का मिक्सचर भी ले सकते हो, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। देखो, ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या होगा, कीटोन, सबसे पहली बात करें हम, हेलोफॉर्म कौन सा बनेगा, हेलोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया CHX3, ये तो बन गया हेलोफॉर्म। ठीक है, अब एक कार्बन से तो हेलोफॉर्म बन गया, बाकी से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, क्योंकि NaOH हमने लिया है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज व्हाट, सोडियम कार्बोक्सीलेट। ठीक है, ये था मिथाइल कीटोन, ये सिंपल कीटोन लिखो इसको। ठीक है, तो हेलोफॉर्म बनाने के लिए एक कार्बन चाहिए, तो इसलिए मिथाइल कीटोन लेना ज़रूरी है। सिर्फ मिथाइल कीटोन ही जो है वो ऑक्सीडाइज होकर हेलोफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इस रिएक्शन में हेलोफॉर्म बन रहा है तो इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर हेलोजन क्लोरीन होगा तो बनेगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो बनेगा ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होगा तो बनेगा आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म जो बनता है उसके कैसे पीपीटी होते हैं, येलो कलर के पीपीटी होते हैं। आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। ठीक है, चलो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो मैंने एक जनरल फॉर्मेट तुम्हें बताया है हैलोफॉर्म रिएक्शन में। चलो रिएक्शन में एग्जांपल हम लेते हैं, पहले कीटोन में हम ले लेते हैं, सपोज एसीटोन ले लिया हमने, CH3CO CH3, इसको हम एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, या डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपेनॉन भी बोल देते हैं। थिनर का काम करता है ये, नेल पेंट रिमूव करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एसीटोन ही होता है। अच्छा, इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं हम विद, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, NaOH
प्लस मान लो हेलोजन ले लिया हमने क्लोरीन, ठीक है। अब देखो फटाफट से क्या होगा भाई, सबसे पहले इसमें एक तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट प्लस, अच्छा क्लोरोफॉर्म बन गया। अगर मान लो आयोडीन लोगे तो बनेगा आयोडोफॉर्म, चलो आयोडीन ले लिया हमने, इसके वाइट पीपीटी होंगे, आयोडोफॉर्म बन गया। प्लस क्या क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड और प्लस H2O। इसको बैलेंस कर देते हैं स्टूडेंट, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है 5 है, 8 हो गया ना आयोडीन, सेकेंड 6, सोडियम 4 है, चलो 4 है तो एक काम कर लेते हैं, आयोडीन कितने हैं 6 है ना, 6 है तो यहाँ पे 3 ले लो सोडियम, सोडियम 4 हो गए। H2O कर रहे हैं बैलेंस, तो ऑक्सीजन देख लो कितनी है भाई, 5 है, यहाँ पर कितनी है तो यहाँ पर कितने ले लेंगे 3H2O, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 काउंट कर लेते हैं, 4 3 7 और 3 10 हो गए हैं, इसमें कितने हो गए 4 और 6 10, ठीक है इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। तो ये बन गया आयोडोफॉर्म, जिसके कैसे होते हैं येलो कलर के पीपीटी बनते हैं जब इसको हम रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे, ठीक है। आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, तो अगर आप NaOH और ये हैलोजन लोगे तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो कीटोन में, तो मिथाइल कीटोन में तो सिर्फ मिथाइल कीटोन में ही होती है, लेकिन अगर हम बात करें एल्डिहाइड की तो एल्डिहाइड में भी सिर्फ एक एल्डिहाइड है इथेनल, जिसको हम एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं, वो भी देता है हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्योंकि इसमें भी देखो कॉमन चीज़ क्या है, मिथाइल कार्बोनाइल, और एल्डिहाइड में देखो CH3COH, ये भी वही है मिथाइल कार्बोनाइल, तो हमेशा याद रखना एल्डिहाइड में इथेनल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, NaOH प्लस X2 गिव राइज टू व्हाट, ये बनाएगा वही CS, सोडियम फॉर्मेट बनेगा इसमें HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और एक कार्बन से बन जाएगा हैलोफॉर्म। दिस इज़ व्हाट सोडियम फॉर्मेट सॉल्ट है, और ये बन गया आयोडोफॉर्म। तो इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NaOH डायरेक्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो कीटोन देते हैं, कीटोन में देंगे कौन से कीटोन देंगे, मिथाइल कीटोन, जिसमें एक अल्काइल मिथाइल होना ज़रूरी है, और एल्डिहाइड में कौन देगा इथेनल, ठीक है एसिड एल्डिहाइड, क्योंकि ये भी मिथाइल कार्बोनाइल है और ये भी क्या है मिथाइल कार्बोनाइल। तो इस तरीके से तुम इसको लर्न कर सकते हो कि भाई कौन सा एल्डिहाइड देगा, क्लियर। तो ये तो था ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो तीन केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दूसरी रिडक्शन रिएक्शन, और तीसरी ऑक्सीडेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद एल्कलीज, ठीक है, एल्कलीज के साथ रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की, ये है केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4, बड़े ध्यान से इसको समझे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो किस नाम से है, रिएक्शन विद एल्कलीज, ठीक है। इसमें दो रिएक्शन हम पढ़ेंगे, एक तो एल्डोल कंडेंसेशन आएगी और एक कैनिज़ेरो, ठीक है। पहले बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की। अब रिएक्शन विद एल्कलीज, एल्कलीज क्या होते हैं सबको पता है, एल्कलीज का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेस। एल्कलीज का क्या मतलब होता है, वाटर सोल्यूबल बेस, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं उनके बेसिस, दे आर ऑल सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल बेस को हम बोलते हैं एल्कलीज। तो एल्कलीज के साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑफ कोर्स या तो आप लेंगे NaOH या आप लेंगे KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलो पहले तुम्हें मैं बता दूं, इसमें रिएक्शन विद एल्कलीज में दो केस हैं, एक तो विद डाइल्यूट NaOH और एक विद कंसनट्रेटेड NaOH, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं डाइल्यूट,
इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन आस पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दिस इज एल्डोल, एल्ड यानी एल्डिहाइड, ओल यानी अल्कोहल, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल बनाएंगे और फिर होगा कंडेंसेशन। वैसे तो ये दो स्टेप रिएक्शन है। चलो पहले तो मैं बता देता हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन, कौन से एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, वो एल्डिहाइड और कीटोन जो कंटेन करेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान दें, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है उन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होती है जिनमें होगा अल्फा हाइड्रोजन, पहली कंडीशन। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन जो है, जब उनको हम रिएक्ट कराते हैं विद डाइल्यूट एल्कलीज यानी डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH के साथ, तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, कौन सा, या तो वो बनाएंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या वो बनाएंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इन्हीं कंपाउंड्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एल्डोल। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एल्कलीज दे फॉर्म एल्डोल। ठीक है, और उसके बाद जब हम उसको एल्डोल को किसी मिनरल एसिड के साथ हीट कर देते हैं तो दे अंडर गो डिहाइड्रेशन, या उसको हम कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ एल्डोल का मतलब क्या होता है। एल्डोल हम इन कंपाउंड्स को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो इसमें दो फंक्शन ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहल हो गया, अल्कोहल का मतलब ओल, और एल्डिहाइड है अल। तो एल्डोल कब बनता है, एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं जब हम उनको रिएक्ट कराते हैं विद डाइल्यूट एल्कलीज। ठीक है, लेकिन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे, वो एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे जिनके पास होगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चलो देख लेते हैं, बता देता हूँ कैसे है। मान लो हमने कोई कंपाउंड ले लिया, एल्डिहाइड कीटोन में से कोई भी ले सकते हैं, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों में होगा, अगर यह एच लग गया तो एल्डिहाइड बनेगा, आर बन गया तो कीटोन बन गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एच है, एल्डिहाइड है सपोज, ये कीटोन भी हो सकता है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, मान लो ये एल्डिहाइड है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो कॉमन नेमिंग में भी नंबरिंग होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अल्फा कार्बन वो होता है जिससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, फंक्शनल ग्रुप बेशक कार्बन कंटेनिंग ही क्यों ना हो, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, जैसे CHO हुआ, तो ये जिस कार्बन से जुड़ेगा दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा से जो जुड़ेगा वो बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी सबके हाइड्रोजन ना दिखा के मैं इनके एक एक हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ, बाकी हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब ये है कि या तो एल्डिहाइड या कीटोन। तो जब हम इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, बेस मतलब एल्कलीज यानी वाटर सोल्युबल बेस, बेस को हम ऐसे दिखाते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, किसी बेस के साथ दिखा दिया, तो होगा क्या, बेसिकली एल्डोल क्यों बनता है, कैसे बनता है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, देखो अल्फा कार्बन ये रहा, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, एक नीचे है एक ऊपर है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा डायरेक्टली उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और इसका कैसा नेचर होता है, एसिडिक, मतलब ये बॉन्ड टूट जाता है, एसिड वही होती है जो एच पॉजिटिव देगी। तो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर है, इसी वजह से ये रिएक्शन होती है, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। भाई एसिडिक नेचर क्यों है, इसको अभी समझ लेते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप है, सबको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो अपने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से दिस कार्बन विल एक्वायर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन था, इनमें ज़्यादा कार्बन ही था, खींच रहा था, अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट है ये। भाई ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो दिस कार्बन एटम विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से
एक तो कार्बन वैसे ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन हाइड्रोजन से, ऊपर से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पोलैरिटी इतनी बढ़ेगी कि बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगा और टूटना क्या होगा आसान। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा न्यूक्लियस लविंग यानी पॉजिटिव लविंग, तो ये क्या करेगा एच पॉजिटिव निकाल देगा। अब इस रिएक्शन में होगा क्या है, वैसे थ्योरेटिकली रिएक्शन रिवर्सिबल है, देखो इसमें निकल जाएगा वाटर, ये यहाँ दिखा दिया ठीक है। अब बनेगा क्या है? देखो भाई ध्यान से देखो इसको, हाइड्रोजन 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 और फोर्थ कार्बन ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड हो, अरे ये ठीक है, वो ऊपर वाला हाइड्रोजन वो नीचे दिखा दिया मैंने ठीक है। ये एक आयन बन गया, वैसे तो एक कार्बन आयन है, इसको हम इनोलेट आयन भी बोलते हैं। ये बन गया कार्ब एनायन, कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन पर एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज होगा और वैलेंस शैल में इलेक्ट्रॉन होंगे आठ, आठ ही है, दो दो चार दो छः दो आठ ठीक है। तो ये बन गया इनोलेट आयन। तो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर है, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये होगा एसिडिक, बाकी जो हाइड्रोजन होंगे बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन वाले वो होंगे नॉन एसिडिक। क्यों भाई? क्योंकि ये तो पढ़ाई होगा तुमने, डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है तो चार्ज बहुत कम हो जाएगा, पोलैरिटी बहुत कम हो जाएगी, पोलैरिटी कम होती चली जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होता चला जाएगा ठीक है। तो एसिडिक नेचर है इस अल्फा हाइड्रोजन का, अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा पोलैरिटी की वजह से, बॉन्ड वीक है, इसने अटैक करा ठीक है, तो बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूट जाएगा अटैकिंग रीजन की प्रेजेंस में ठीक है। बन गया कार्ब एनायन ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें बताया है कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका एसिडिक नेचर है और इसी वजह से व्हेन दे रिएक्ट्स विद एल्कलीज दे फॉर्म एल्डोल, एल्डोल यानी कि ये वाला कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ठीक है। अभी हम एग्जांपल लेंगे, ये चीज़ सबको क्लियर है। चलो अब मैं तुम्हें बता दूं कि एल्डोल तो बनेगा लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये भी दो तरह की होती है, एक तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसको बड़े ध्यान से समझे और बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है ठीक है। इसको रब कर देता हूँ मैं। हम पहले बात करते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन ठीक है। सेल्फ का मतलब नाम से पता लग रहा है, सेल्फ का मतलब जब सेम मॉलिक्यूल जो है वो दे विल अंडरगो, दे विल रिएक्ट विद डाइल्यूट एल्कलीज टू फॉर्म एल्डोल। अगर सेम मॉलिक्यूल कर रहे हैं तो उसको सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे, और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और वो एल्डोल बना रहे हैं व्हेन दे रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एल्कलीज तो उसको कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ सेम मॉलिक्यूल में होती है, क्रॉस होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। अभी देख लेते हैं, मान लो रिएक्शन कैसे बनानी है, बड़े अच्छे से समझे। जैसे मान लो एनसीईआरटी में ऐसे होगा, तुमने एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करा दिया विद डाइल्यूट एल्कलीज ठीक है, या NaOH भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिख दो विद डाइल्यूट NaOH। बैलेंसिंग में हम ले लेंगे दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कंडेंसेशन होगा। देखो ये हमने एल्डिहाइड क्या लिया है, इथेनल ठीक है। अच्छा पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, कौन से एल्डिहाइड और कीटोन हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो फॉर्मल्डिहाइड में नहीं होगा एक तो, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन से जुड़ेगा वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। ऐसे ही बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, कार्बन तो है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक नेचर नहीं है। तो एल्डिहाइड की अगर बात करो तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता है। अब ले लिया हमने इथेनल, अब देखो रिएक्शन कैसे बनाना है, इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। तुमने क्या करना है, जैसे इथेनल ले लिए दो मॉलिक्यूल, एक को तो ऐसे लिख लेना, एक्सपेंड कर दिया, और दूसरे को मैंने ऐसे लिख दिया HCS2CHO। बात तो वही है, इस हाइड्रोजन को अलग से क्यों दिखाया,
क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन दिखाना था ना, इसका एसिडिक नेचर तो है ही, इसलिए इसको अलग से दिखा दिया इस तरीके से। कार्बोनाइल ग्रुप है पोलर इन नेचर, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। रिएक्ट करा दिया विद एल्कलीज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब होगा क्या, देखो ये जो बेस है, अभी हमने पढ़ा था ना इनोलेटाइन बनाया था, ये बेस जो ये एच पॉजिटिव निकाल देगा यानी कि वोटर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन के पास। इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, मैकेनिज्म अलग से भी पढ़ लेंगे। ये बेस है, ये बॉन्ड वीक है पोलैरिटी की वजह से, ठीक है। तो बॉन्ड OH नेगेटिव जो है H पॉजिटिव को निकाल देगा यानी वाटर निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन के पास, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, किस पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा। अटैक करेगा यानी कि अटैक का होता है बॉन्ड बनाना दो इलेक्ट्रॉन का, इन दो इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके, ठीक है। तो जब इस कार्बन के बॉन्ड ऑलरेडी चार है और ये कार्बन जुड़ेगा तो पाँच हो जाएंगे, पाँच हो नहीं सकते तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब देखो CH इससे गैस जुड़ गया CH2CHO, ऊपर क्या है सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये जो ऑक्सीजन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन जो है जो वाटर निकला था उसमें H पॉजिटिव दोबारा से लेकर इस ऑक्सीजन के साथ अगेन आ जाएगा हाइड्रोजन। अभी मैकेनिज्म से बता दूंगा, कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन निकलता है ना ये इस ऑक्सीजन के साथ ही आता है हमेशा, ठीक है। मैकेनिज्म से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एसिडीज जोड़ना ही है, ये कंपाउंड बन गया। अब इसकी नंबरिंग कर दें, दिस इज़ अल्फ़ा दिस इज़ बीटा, तो ये क्या बन गया, वही तो बन गया, ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी और सारा का सारा क्या है एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं एल्डोल। वैसे नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, ये बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल, ठीक है। तो क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल थे, इथेनल इथेनल या एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड कह सकते हो आप, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, और वो ऐसे रिएक्ट करके क्या बनाएंगे एल्डोल बनाएंगे। अगर सेम मॉलिक्यूल है तो इसको हम कहेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हमने एल्डोल बनाया, कंडेंसेशन नहीं कराया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलो अब पहले मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बता देता हूँ। हमने दो इथेनल से क्या बनाया है, हमने बनाया है भाई 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल, इसको याद कर लेना। अब पहले मैं इसका मैकेनिज्म करा देता हूँ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का, और CBSE बोर्ड में कई बार आ चुका है ये मैकेनिज्म भी। चलो मैकेनिज्म भाई सिंपल है, दो इथेनल लेने हैं तुम्हें, तुम्हारे पास क्या है दिमाग में, दो इथेनल है और एक एल्कली है, एल्कलीज है। तो सबसे पहला स्टेप होगा भाई फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। भाई एसिडिक नेचर तो है ही ना, अब एसिडिक नेचर है तो आयन, जैसे आपने एल्कलीज क्या लिया बेस दिखा दिया, एल्डिहाइड ले लिया आपने इथेनल लो, ठीक है, पोलर इन नेचर, ठीक है। ये इसको आप इस तरीके से दिखा दो HCH2CHO, ठीक है। ये हो गया अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, इसका एसिडिक नेचर है ही, ये तो पता ही है। ये किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, और क्या निकल जाएगा इस रिएक्शन में वाटर, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, ये बन गया भैया CH2 और CHO और प्लस H2O, ठीक है। ये स्टेप स्लो भी होगा क्योंकि इसमें ये क्या बना है इनोलेट आयन बना है, इसको हम कार्बन आयन भी कह सकते हैं। मैंने बताया था स्टूडेंट जिस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन या कार्बन आयन बने तो वो स्टेप हमेशा स्लो होता है, ठीक है। और जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। भाई एसिडिक नेचर तो था ही ना इसका, वही कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पोलैरिटी ज़्यादा, बॉन्ड टूटना आसान, तो इसने अटैक करके ईजिली बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, बन गया इनोलेट आयन, इसको इनोलेट आयन हमने नाम दे दिया। अब एक मॉलिक्यूल ने तो एसिडिक, एक मॉलिक्यूल का हमने एसिडिक नेचर दिखा दिया तो इनोलेट आयन बन गया। दूसरा स्टेप क्या होगा भाई, दूसरा स्टेप होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ध्यान देना। अब एक मॉलिक्यूल, अब ये बिहेव तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही कर रहा है ना। अब जिस दूसरा मॉलिक्यूल हम एल्डिहाइड ले लेंगे एज इट इज, वही CH3COH, पोलैरिटी की वजह से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव प्लस CH2CHO, अगेन रिवर्सिबल स्टेप होगा, फास्ट होगा।
अब इस कार्बन के पास लॉन पेयर है तो ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियस लविंग पॉजिटिव लविंग, किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन पेयर पहले लॉन पेयर दो थे ये दिखा दिए, अब हो जाएंगे तीन। तो ये बन गया CH3CO, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव CH एज इट इज़ जोड़ दिया हमने CH2CHO। ये सिंपल क्या बना है, बन गया एक एनायन है, एक मॉलिक्यूल है नेगेटिवली चार्ज्ड, कोई नाम नहीं है इसका स्पेसिफिकली। आखिरी स्टेप बन तो गया, कुछ कुछ ये अब यहाँ पे क्या चाहिए, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, ऑफकोर्स वाटर से। तो तीसरा स्टेप क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन, एब्स्ट्रक्शन यानी प्रोटॉन निकालना। तो प्रोटॉन निकाल लेगा भाई, वो एनायन कैसे निकाल लेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर ही रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लो भाई CH2CHO, ठीक है, वाटर ले लिया हमने, वाटर को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये इस पर अटैक करके बॉन्ड बना देगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, इसको डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव भी दिखा सकते हो आप, ठीक है। तो जुड़ जाएगा, जोड़ दो इसको CH3CHOH CH2 और CHO, बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, OH नेगेटिव, वही निकल गया जो शुरू में लेके चले, मैकेनिज्म में ऐसा ही होता है, ये तो तुम पढ़ते आ रहे हो। तो ये क्या बन गया, वही तो बन गया अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये वही बन गया मैकेनिज्म के हिसाब से 3 हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। ये स्टेप भी थियोरेटिकली रिवर्सिबल है, ध्यान देना। तो ये था मैकेनिज्म, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है कि हम एल्डिहाइड कीटोन अगर हम कोई भी ले ले जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और उसको हम एल्कलीज के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा बनेगा एल्डॉल, ठीक है। ये हमने पढ़ा, एल्डॉल कंडेंसेशन है रिएक्शन, ये जो हमने पढ़ा बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसका नाम क्या है, सेल्फ एल्डॉल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, चलो अब हम बात कर लेते हैं क्रॉस एल्डॉल की। ये था सेल्फ जिसका हमने मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन रिएक्शन की, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दें और समझने की कोशिश करें, विद रीजन एक्सप्लेनेशन है हर चीज की, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन, सेल्फ हम पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन की। क्रॉस में क्या होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे मान लो हमने एक तो ले लिया इथेनल और एक ले लिया हमने प्रोपेनल, और अगर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं विद डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KH। अब भाई देखो दो हैं मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है तो दोनों का एसिडिक नेचर है, ठीक है। अब पहले वाले में सेल्फ में मॉलिक्यूल तो दोनों सेम ही थे, किसी का भी एसिडिक ले सकते हैं, प्रोडक्ट तो एक ही बनना था, लेकिन क्रॉस में क्या है कि प्रोडक्ट बनेंगे कई। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इस केसेस में जो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं वो कितने होंगे, 4। कैसे होंगे वो देख लेते हैं, इथेनल ले लिया और भाई प्रोपेनल ले लिया, ठीक है, 4 है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं भाई, एसिडिक इसका भी होगा, एसिडिक इसका भी होगा, ठीक है। कैसे बनाना है बड़े ध्यान से देखना, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि बनाना कैसे है प्रोडक्ट। जैसे मान लो आपने ले लिया इथेनल, आप इथेनल का एसिडिक नेचर दिखा रहे हो, तो प्रोपेनल को तो आप ऐसे ही लिखेंगे CH3CH2 इस तरीके से CHO एक्सपेंड करके, और दूसरा आप लिखेंगे इथेनल, इसका एसिडिक नेचर दिखाना है तो भैया इसका अल्फा हाइड्रोजन दिखाना है एसिडिक, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, वही होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, ये कार्बन किस पे, इस पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा ये इसके पास, इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन आना ही है, जोड़ना है, एसिडिक करना क्या है तुम्हें, CH3CH2C ऊपर आ गया OH CH CH2CHO, तो ये वही बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, नंबरिंग हो जाएगी इसकी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 अल, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल तो बन गया ये वाला प्रोडक्ट होगा पॉसिबल। अब मान लो अगर मैं एसिडिक नेचर इसका मान लूँ तो दूसरा केस आप कैसे बनाएंगे, दूसरे केस में तुम्हें क्या करना है,
इस बार इथेनॉल को आप ऐसे ले लेना, CH3COH पोलर नेचर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल तो एक ही मॉलिक्यूल बनाएगा ना, चाहे वो बनाए चाहे ये बनाए, अब ऐसे उसका एसिडिक नेचर तो न्यूक्लियोफाइल उसी का आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, HCH CH3 और CHO, दिस इज अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन अलग से दिखा दिया, वी डाइल्यूट, वही होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, हाइड्रोजन अगेन ऑक्सीजन के साथ आएगा, तो जोड़ दोगे तो पड़क बनेगा ये, इस बार बन गया CH3CH, ऊपर आ गया OH और जुड़ गया एज इट इज़ ए CH, इस CH के साथ मिथाइल भी है और बन गया CHO, तो ये अल्फा ये बीटा, अगेन ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नंबरिंग करेंगे तो इसकी बनेगी 3-hydroxy-2-methyl-butane-1-al, ये भी क्या है एल्डोल। तो भाई दो प्रोडक्ट तो ऐसे बना लिए, एक बार उसका एसिडिक नेचर दिखा दिया, एक बार इसका एसिडिक नेचर, एक बार इसका न्यूक्लियोफाइल, एक बार उसका न्यूक्लियोफाइल, दो प्रोडक्ट हो गए। तीसरा प्रोडक्ट क्या होगा कि जब इनके सेम मॉलिक्यूल्स भी रिएक्ट करें, अब सेम कैसे भाई, ये मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके हैं, तो इनके कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में भी रिएक्ट करेंगे, इथेनॉल इथेनॉल से भी होगा और प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल से भी होगा, तो वो उस तरीके से तुम बना ही सकते हो, किसी का भी ले लो एसिडिक नेचर। तो चार केसेस पॉसिबल हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, ये चीज क्लियर है स्टूडेंट, तो इसको एक बार ट्राई कर लेना तुम्हें समझ आ ही जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है टॉपिक ऐसा। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में इतना ही है, हाँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म जो है वो CBSE बोर्ड में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैकेनिज्म बनाएंगे तो उसका थ्योरेटिकली फिर कई केसेस हमें लेने पड़ेंगे, जो सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, एसिडिक नेचर, एक बार उसका लेंगे एक बार उसका लेंगे, तो उसमें काफ़ी केसेस बनते हैं, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म नहीं आएगा, सेल्फ का कर लेना, सेल्फ का आ जाता है कई बार। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, तो इसमें एक रिएक्शन और आती है कैनिज़ेरो रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। तो स्टूडेंट अगर आज का वीडियो तुम्हें समझ आया है तो इसको मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, और अगर कोई डाउट है तो तुम उनसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है, चलो थैंक यू।